नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट. क्या दिया क्वेश्चन? दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 0.99 c. व्हाट इज इट्स टोटल एनर्जी? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. ये इसका सेकेंड पार्ट है. तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन क्या है, वेलोसिटी दिया गया है कितना, 0.99 c. अब हम जानते हैं, वी नो दैट m इक्वल्स टू m जीरो अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो m मतलब किसके लिए निकालना है, मास किसका लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 × 10⁻³ होता है, ठीक है. और अपॉन में v का जगह वैल्यू को रख दीजिए इसका, ये वाला वैल्यू. तो यहां से क्या होगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब 0.99 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.98. ओके, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. तो इसको जब 1 से माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 0.141. और जब सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू जो है कितना होगी, मिल गया 64.5 × 10⁻³ kg. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो देखो मेरे को फर्स्ट पार्ट क्या निकालना था, टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी E बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर. तो m मैंने वहां से निकाल दिया है, और c का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैं वहां केजी ले रहा हूं. तो यहां पर भी क्या लूंगा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट में लूंगा, इसलिए 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाए, इतना जूल, जो मेरा एसआई सिस्टम है, यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक. अब नेक्स्ट मैं निकालना है न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी. तो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी मतलब m0 के फॉर्म में निकालना, m0 मेरा क्या है, रेस्ट मास है. तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मगर यहां रेस्ट मास होगा तो इसलिए m0 लूंगा मैं यहां पर. तो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m0 v स्क्वायर. और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मेरा चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी. तो टोटल एनर्जी मेरा कितना है, एम सी स्क्वायर, और रेस्ट एनर्जी कितना होगा, एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है. एम जीरो मतलब क्या, रेस्ट मास है मेरा. तो उसके कंपेयर में रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आएगा. तो इन दोनों का रेशियो निकालना है मेरे को. देखिए न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो इसका जस्ट वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए. यहां पर मिला है मेरे को हाफ एम जीरो वी स्क्वायर, और नीचे ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. पुट करने पर 1/2 को बाहर निकाल दीजिए न्यूमरेटर से, तो नीचे क्या मिलेगा, एम जीरो अपॉन, और वी अपॉन सी को क्या कर दीजिए, पूरे के होल स्क्वायर में ले लीजिए. और बाकी एम माइनस एम जीरो बाहर आ गया, ये पूरा टर्म बाहर आ गया इसके, और 1/2 इधर. अब एम जीरो रिलेट रेस्ट मास का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम माइनस एम जीरो, एम माइनस एम मैंने निकाला है पीछे क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया है एम, ठीक है. और m0 क्या है, रेस्ट मास, ये वाला वैल्यू. तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, और इनटू v तो दिया गया क्वेश्चन में 0.99 c, और अपॉन में c का होल स्क्वायर. तो ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.9 जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा, 0.08, ठीक है. यही जो मेरा न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी अपॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा, ठीक है. ओके, थैंक यू.